ये है कि सुनवाई नहीं हो रही है। जंतर मंतर पर जहां खिलाड़ी न्याय पाने के लिए बैठे हुए हैं, वहां पर अलग अलग खाप अलग अलग प्रदेश से उनको अपना समर्थन देने के लिए आ रही है। आइए बात करते हैं सोराण खाप के चौधरी से। आपका नाम? बाबा परमेंद्र आर्य। किस लिए आज यहाँ जंतर मंतर आने की जरूरत पड़ गई आपको? यहाँ पे हमारे किसान कौम की पहलवान बेटियाँ बैठी हुई हैं पिछले 5 दिन से। इनकी मांग है कि जो ब्रजभूषण है कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष, उसने सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश करी है पहलवान के साथ में, कुछ पहलवान महिला के साथ में उसने छेड़खानी करी है जो कि बहुत गलत है। ये उसकी FIR दर्ज कराई थी यहाँ पे दिल्ली के अंदर, दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज नहीं करी है। तो हम इनके समर्थन में आए, जब तक इनकी FIR दर्ज नहीं होगी तब तक ब्रजभूषण जेल में जाएगा, हम इन पहलवानों के साथ रहेंगे। मेरा अगला सवाल है, अगर राजनीति नहीं चाहेगी कि ब्रजभूषण जी जेल में जाएं, तो आप कैसे भेज सकते हैं? देखो, अगर ब्रजभूषण शरण, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ब्रजभूषण शरण के बचाने में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, सरकार उसको बचा रही है। नहीं तो देखो, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो FIR बोलते हैं, ये तो छोटी सी भी घटना की होती है, ये तो इतनी बड़ी घटना हुई है। जो शोषण के सबसे बड़े देश के अंदर जो कानून है उसका ये है कि कोई भी अगर महिला बोल देती है उसकी सबसे पहले FIR हो, और अगर 16 साल 18 साल से कम की बच्ची के साथ में ऐसी घटना होती है तो उसको तो पुलिस प्रशासन अपने आप संज्ञान में लेता है और सबसे पहले FIR दर्ज करता है। अब रही बात सरकार उसको बचाती रहेगी, लेकिन देखो हम किसान कौन से आते हैं, किसानों ने अपने मान सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए 13 महीने तक दिल्ली को घेरे रखा और लास्ट में प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और काले कानून वापस लिए। अब बात आ गई है हमारे बच्चों की, क्योंकि ये पहलवान जो हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों का स्वाभिमान है, इनके स्वाभिमान के लिए हम पूरे देश में आंदोलन खड़ा करेंगे, हर तहसील मुख्यालय पर, हर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे, पूरे देश में माहौल बना देंगे, बाद में घुटनों पर सरकार आएगी और ब्रजभूषण सिंह एक दिन जेल में जाएगा। यानी इस आंदोलन का भी नारा उस किसान आंदोलन की तरह जाएगा कि सरकार को झुकना पड़ेगा। बिल्कुल, आज यहाँ पे आए थे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत और बालियान खाप के चौधरी हैं, और राजनीतिक जो नेता है यहाँ पे, आज राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत जी आए, वो बोल गए हैं कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गांव गांव में जा करके आज पंचायत करेंगे, इस जिस तरह से हमने किसान आंदोलन के दौरान करी थी, और वही माहौल कर देंगे जो जो किसान आंदोलन के टाइम पे जन जन की आवाज़ होगी थी कि किसानों के जो बिल आए गए काले हैं, तो अभी यही माहौल बना दे कि ब्रजभूषण जो है ये जेल में जाना चाहिए, जो सरकार इसे बचा रही है, FIR नहीं कर रही है, बहुत गलत है। अच्छा ये बताइए, आप उस समाज का हिस्सा हैं जहाँ से हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है, जब ये बच्चियां मेडल लेकर आती थी तो एक किसान भी सोचता था कि शायद वो भी अपनी लड़की को खेल जगत में आगे मान सम्मान बढ़ाने के लिए, देश का गौरव बढ़ाने के लिए भेज सकता है। अब आरोप लगे हैं कि खेल जगत में यौन शोषण हो रहा है, इससे क्या लगता है समाज पे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? देखो, इससे बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है समाज के अंदर, जब से जनवरी से ये चर्चा में आया है कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ने महिला पहलवानों के साथ में छेड़खानी करी है, सेक्सुअल हरासमेंट किया, तब से जो है किसान कौम अपनी बेटियों को कुश्ती के खेल में आगे लाने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, कि यही डर है कि हमारी बेटी के साथ भी ऐसी घटना ना हो जाए, क्योंकि देखो उत्तर भारत के ही पहलवान अधिक मेडल लाते हैं और हरियाणा के सबसे ज़्यादा लाते हैं, इसमें हम तो उत्तर प्रदेश के, लेकिन जो सत्यता है, तो अब किसानों को यह डर है कि भाई हमारी बेटियों के साथ भी ऐसा हो जाएगा, ये देश की छवि खराब हुई है। और देखो सबसे ज़्यादा देश की छवि इस बात को लेकर खराब है कि जिस देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया हो, जिन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मेडल लिया हो, जिन्होंने कॉमनवेल्थ में मेडल लिया हो, उनकी FIR दर्ज नहीं हो रही है, तो आम आदमी की कैसे FIR दर्ज होती है, कैसे से न्याय मिलता होगा? और देखो ये पहलवान है, इनके विदेश में बहुत फॉलोवर्स हैं, बहुत चाहने वाले हैं, तो वहाँ पे भी वो ट्विटर कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि भारत की कानून व्यवस्था बहुत लचर हो चुकी है, हमारे पहलवानों को न्याय नहीं मिल रहा है और आम नागरिक को तो मिलता ही नहीं है। ये वास्तविकता भी है, देखो यहाँ पे पुलिस जो काम करती है या तो फोन पे करती है या पैसा लेकर करती है, बिना पैसे के पुलिस यहाँ पे काम नहीं कर रही है, बिना फोन के काम नहीं कर रही है, और मुलजिम अगर सत्ता की पार्टी का कोई नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई आदमी है उसको पुलिस बचाने का काम करती है। देश की जनता के लिए आपका क्या संदेश होगा इस आंदोलन को लेकर?
देखो देश की जनता के लिए यही है संदेश भाई, ये जो यहाँ पे बैठी हैं बेटी, ये पूरे देश की बेटी हैं। इन्होंने ही जो तिरंगा है हमारे देश की आन बान शान है, विदेशी भूमि पर लहराया था, क्योंकि तिरंगा दूसरे देश पे हम जब भी लहरा सकते हैं, या तो हमारा पहलवान मेडल जीतता है, कोई भी खिलाड़ी मेडल जीतता है, या कोई हमारा सैनिक या हमारी सेना कोई टुकड़ी दुश्मन देश पे जाकर कब्जा करती है जब तिरंगा लहराता है। इतने मान सम्मानित पहलवान यहाँ बैठे हुए हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए। इनको समर्थन देने के लिए हर जिला मुख्यालय पर, हर तहसील मुख्यालय पर घेराव करें, प्रदर्शन करें, ताकि सरकार की आंख खुले और FIR दर्ज हो और इन्हें न्याय मिले। अच्छा ये बताइए, चुनाव के नजदीक एक नेता इधर से कूदकर उस पार्टी में चला जाए, तो जो मीडिया है, नेशनल मीडिया है, राष्ट्रीय मीडिया है, उसमें वो कई दिनों की सुर्खी बन जाती है। खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं कि हमारी राष्ट्रीय मीडिया हमारे आंदोलन को दिखाना भी नहीं चाहती। बिल्कुल ये सत्य बात है। देखो आप तो पत्रकार जगत को पूरा समझते हैं, जितने भी मीडिया के बड़े चैनल हैं, इनमें सब में या तो अडानी के शेर हैं या अंबानी के शेर हैं, और दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं। और देखो पूरा जो ये मीडिया है ये सरकार के दबाव में है, क्योंकि सरकार के हाथ में बहुत ताकत होती है, कहीं ना कहीं बड़े चैनलों को फंसा लेंगे। एक चैनल से हमारी बात हो रही थी, वो बोल रहा था हमारे चैनल का 200 करोड़ का खर्चा है एक साल का, अगर हम सरकार के खिलाफ बोल लेंगे, जो हमें फंड मिलता है सरकारी तरफ से, कुछ सहायता मिलती है, वो सारी बंद हो जाएगी, और उन्हीं से चैनल चलते हैं। तो इसलिए हम इन सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। सोशल मीडिया और जो छोटे चैनल हैं ये हमें कवर कर रहे हैं, पूरे देश में संदेश जा चुका है कि इन बेटियों के साथ में अन्याय हो रहा है, ना ही प्रधानमंत्री सुन रहा है, ना यहाँ का गृह मंत्री सुन रहा है, ना ही पुलिस प्रशासन सुन रहा है, ये बहुत ही दुखद है। तो जितने मीडिया चैनल हैं इनसे हमें आस भी नहीं है, क्योंकि सरकार के चैनल हैं, मीडिया चैनल रहे नहीं, स्वतंत्र नहीं है। राष्ट्रीय मीडिया पर आरोप लग रहे हैं कि सरकारी चैनल हैं, फंडिंग बंद हो जाएगी। आप स्तर देख सकते हैं पत्रकारिता का, अगर पैसे लेकर पत्रकारिता करनी है, दलाल बनकर बड़े बड़े स्टूडियो में बैठना है, तो ऐसे पत्रकारों को पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये देश को गर्त में ले जाएगी, देश को न्याय कभी नहीं दिला सकती। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन है, युवा भी अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर खिलाड़ियों को आ रहे हैं। आइए बात करते हैं कि इन युवा खिलाड़ियों का क्या मानना है। क्या नाम है आपका? शक्ति सिंह। कहाँ से हैं? मेरठ से, यूपी। आपका क्या नाम है? जतिन। कहाँ से हैं? जम्मू से। जम्मू से? हाँ जी। अब देखिए, जम्मू से लोग आ रहे हैं समर्थन देने के लिए, क्या लगता है ये खिलाड़ी जानबूझकर सरकार को बदनाम करने के लिए धरने पर बैठे हैं, या आपको लगता है खेल जगत में सच में लड़कियों का यौन शोषण होता है? देखिए जी, मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ, मैं पहले बॉक्सिंग करता था। इसमें मेन बात ये है कि अगर आप, मैं टेक्निकल जाऊँ, राजनीति से अलग हट के बात करूँ, तो बात ये रहेगी इसमें कि जो हमारा जो ये वेस्ट है, वेस्ट यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ का जो DNA बहुत मजबूत है। तो जब मेडल इस तरफ ज़्यादा आएंगे तो फेडरेशन की मांग भी जायज़ की इस तरफ ही होगी। तो इस तरीके से जो अगर हमारे के खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास यौन शोषण हो रहा है, और ये होता है, जरूर हुआ है। जब मैं खिलाड़ी था, मैं भी खेल रहा था, मेरी कोलर बोन टूट गई थी, वहाँ भी चीज़ें, हर गेम में ये होता है कि लड़कियों को आगे लिखने का मौका कम दिया जाता है। ये तो हमारी बहन है कि इतना ये हर जगह लड़ी है, और आज ओलंपिक में बहुत से लोगों में बताना चाहता हूँ, ओलंपिक कभी नहीं पता कि ओलंपिक में मेडल लाना कितनी बड़ी बात है, अर्जुन अवार्ड क्या होता है, राजीव गांधी खेल रत्न क्या होता है। तो ये इतने विश्व पे इन्होंने नाम कराया, अपने देश का झंडा तिरंगा ऊंचा कराया, इतना बड़ा नाम करने के बाद भी अगर आज ये सड़कों बैठे हैं तो दुर्भाग्य है हमारे देश का। आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है जी, मैं खुद एक पहलवान हूँ, तो मेरा कहना बस ये है कि मैं पहलवान भाइयों और बहनों के साथ हूँ, और ब्रजभूषण को इस्तीफा दे देना चाहिए, बाकी हमारा पूरा समर्थन है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यही खड़े हैं। अगर राजनीति में कोई दमदार व्यक्ति कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष है, और जो सत्ता में पार्टी है उसको लगता है कि उसको हटाने से उसको राजनीतिक नुकसान हो सकता है, तो वो क्यों हटाएगी? हटाना चाहिए, ये भी तो अपने ही लोग हैं, ये भी तो अपने लोग हैं। अब आप एक बात देखिए, 13 महीने किसान आंदोलन चला है, अभी यूनियन के लोग भी यहाँ पे आए थे, और जिस तरीके से उन लोगों को भी क्षेत्रवाद में पहले बांटा गया, उसके बाद उन लोगों को जातिवाद में बांटा गया, फिर कहा कि ये एक खालिस्तानी है, फंडेड है, या फंड आ रहे हैं बाहर से, फिर भी जीते तो हम ही लोग थे, हमारे अपने लोग थे, और ये भी हमारे अपने लोग हैं, देश के लोग हैं, देश के लिए मेडल लाए हैं, देश का नाम ऊंचा करा है। आप
जब देखोगे कि एक पहलवान हो या कोई भी खिलाड़ी हो, स्पोर्ट्समैन हो, स्पोर्ट्स पर्सन है या एथलीट है, वो जितनी मेहनत करता है उतनी मेहनत शायद ये नेता लोग करके दिखाएं तो पता चले कि देश कितना आगे बढ़ रहा है। अब अगर ये अपनी वोट के लिए सोचेंगे, अगर ये अपनी वोट के लिए सोच रहे कि भाई एक नेता का नुकसान हो रहा है, लेकिन इनको खिलाड़ियों का भी नुकसान होगा। एक नेता सिर्फ यहाँ भारत में सीमित है, लेकिन एक खिलाड़ी जो है पूरे वर्ल्ड तक सीमित है। देखिए आरोप ये भी लगा रहे हैं कि हरियाणा वाले ही खिलाड़ियों को दिक्कत ज्यादा क्यों है। दूसरा ये कि कुछ नियमों में फेरबदल हुआ है जिसकी वजह से कुछ खिलाड़ियों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। मैंने इसका जवाब आपको पहले दिया था कि जो ये डीएनए है हमारा, मैंने टेक्निकल बात आपको बताई थी कि जो जीन्स होते हैं बॉडी में, अगर आप सब आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, ये चीज़ शायद यहाँ कोई बोल भी नहीं पाएगा क्योंकि मैं एथलीट हूँ और मैंने सर्टिफिकेशन किए हैं न्यूट्रिशन के, डाइट के, सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं, सारी चीज़ें क्योंकि पढ़ता रहता हूँ चीज़ें को। तो जो हम आपने देखा हो सिकंदर जब यहाँ लड़ाई में आया था, उसने अफगानिस्तान तक हमला करा था, या लो ये क्या तुम्हारे गजनी आया था, तो इन सब ने जब आक्रमण किया तो हमारी जो कौम है सबसे ज़्यादा उस लड़ी है इन सब से। कोई भी कितना भी देख लो आप, जितने भी युद्ध हुए हैं सबसे ज़्यादा हम लड़े हैं। तो हमारा डीएनए इतना स्ट्रॉन्ग है और ये पूरा ये बेल्ट है, पंजाब पांच नदियों का संगम जहाँ है, ये गंगा जमुना की जो बेल्ट है इसमें मतलब खान पीन भी हैवी है। अब आप, मैं साइंटिफिक आपको ये बताऊंगा कि बिहार, मतलब मैं गलत मत लेना इस चीज़ को, बिहार की तरफ, उड़ीसा की तरफ या भुवनेश्वर की तरफ, उस तरफ क्यों मेडल नहीं आते? ये ज्योग्राफिकल भी और एनवायरनमेंट की वो चीज़ होती है। 100 मीटर में हम क्यों परफॉर्म नहीं कर पाते? क्योंकि जमैका के और वहाँ के खिलाड़ी परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि उनकी लंग्स कैपेसिटी बहुत बड़ी होती है। आप ये कहना चाहते हैं कि भौगोलिक कारकों का प्रभाव मानव की शारीरिक संरचना पर पड़ता है और शारीरिक संरचना ये निर्धारित करती है कि आने वाले समय में किस क्षेत्र में कौन खिलाड़ी परफॉर्म करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी संदेश क्या है? क्या ठान ली है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं? बिल्कुल, जब तक तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारी जो कौम है, हम किसान कौम से हैं और हमारी कौम 800 साल तक अपना बदला नहीं भूलती। अगर हमारे भाइयों पे बहनों पे आँच आई है तो हम अड़े रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, आपको क्या लगता है आरोप लगते ही सरकार को क्या करना चाहिए था, सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए था? पहले जब आरोप लगाए तो किसान पहलवानों को बदनाम किया गया था कि भाई आप उठ गए, इनके ये बेचारे थोड़े ठगे गए एक तरीके से, इनको नहीं पता क्योंकि ये पॉलिटिक्स में नहीं है, ठीक है, ये हम तुम्हारे बीच के ही हैं, तो इनको नहीं पता, इनको सुबह शाम प्रैक्टिस करनी है, अपने डाइट पे ध्यान देना, रेस्ट करना है, तो इनको ज़्यादा चीज़ें नहीं आती है, ज़्यादा दिमाग लगाने की इनको जरूरत भी नहीं है, भाई अपना अपने देश के लिए सोचना है। लेकिन जिस तरीके से पहले इनको समझाया और इनको एक तरह से लॉलीपॉप दे दिया कि जाओ आप वापस करो, 26 जनवरी नज़दीक थी, तो अब ये दोबारा है, इनको 3 महीने पागल बनाया गया, तो सरकार को तभी इस्तीफा ले लेना चाहिए था ब्रजभूषण का, और कोई नई कमेटी गठित करते और नए लोगों को कमेटी में बैठाते या फेडरेशन में नए अध्यक्ष बनाते। तीखा सवाल पूछ लेता हूँ, सरकार ने इस्तीफा अब तक क्यों नहीं लिया, आपको क्या लगता है? अपनी सांठगांठ है, वे कहीं ना कहीं डर रहे होंगे। जिस तरीके से बाहुबली बाहुबली बताया जा रहा है और मीडिया में कि भई ये हमसे बड़ा ना तो कोई, कल हनुमान बेनीवाल जी आए थे, हमारी कौम से बड़ा कोई बाहुबली नहीं हुआ है और ना ही होगा, हम लड़ना जानते हैं और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। क्या संदेश है जनता को? जनता को यही संदेश है कि पहलवान भाइयों के साथ खड़े रहो और सबको ये मांग करनी चाहिए कि ब्रजभूषण का इस्तीफा तो बहुत जरूरी हो चुका है और जब तक नहीं होगा हम यही खड़े पड़े हैं। बाबूजी दाढ़ी सफेद हो चुकी है और तब भी खिलाड़ियों के समर्थन में आए हैं, तन मन धन से, और जब तक यह पगड़ी रहेगी, जब तक हम अपनी बेटियों के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बेटे तो हमारे खुद रक्षा करते हैं, अपनी भी है, देश की भी, बेटियों की रक्षा हम करते हैं, यह पगड़ी जो हमारे बंध रही है ना, वो बेटियों की रक्षा करने के लिए करती है। बात मान सम्मान तक पहुंच चुकी है? बात मान सम्मान तक नहीं, आखिरी जान तक पहुंच चुकी है। और एक मैं बता देता हूं कि अगर ये गवर्नमेंट कुछ शर्मदार है और इस शर्म है तो इनका नाक है, तो जो अतीक के साथ हुआ वही ब्रजभूषण मोहन सिंह के साथ हो जाना। चलिए वो तो कानून बताएगा किसके साथ क्या होगा। कहाँ से हैं, रहने वाले कहाँ के? हम रहने वाले उत्तर प्रदेश के। किस जगह से? उत्तर प्रदेश में? मोदीनगर। मोदीनगर से आए हैं? जी हाँ। लेकिन खिलाड़ी तो हरियाणा के हैं। राणा है, राणा, हम राणा खापके चौधरी के बेटे हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम राणा ही तो है और क्या बता रहा हूँ। और राणा जो यहाँ का खिताब है वो इस देश का पूरे देश का महाराणा प्रताप का, वो जो राणा जो था वो एक खिताब है जो अपनी जान दे सकता लेकिन झुक नहीं सकता। अच्छा, खिलाड़ी तो हरियाणा के हैं, आप यूपी से क्या लेने आए हैं? खिलाड़ी हमारे हरियाणा के नहीं, हमारे पूरे देश के हैं। जिस वक्त में मेडल जीत के लाए पूरे देश का गर्व से झंडा उठ गया था। ये बात मायने रखती है कि खिलाड़ी किसी एक क्षेत्र का नहीं होता, किसी एक जाति धर्म का नहीं होता। जब वो मेडल जीतता है तो अपनी छाती पर देश का तिरंगा लगाता है। अगर आप उनको जाति धर्म वर्गों में बांटेंगे तो ये आप अपने साथ और देश के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। अब देखना ये है कि भविष्य के गर्भ में क्या है, न्याय है या न्याय पर राजनीति भारी है। लेकिन खिलाड़ियों को अगर उम्मीद है तो सुप्रीम कोर्ट से, उच्चतम न्यायालय से देखना होगा न्याय मिलेगा या न्याय सड़कों पर घूमता रहेगा। चेतना मंच से मैं कारतूस चौधरी, धन्यवाद।